अप्रैल से ही जो UIT की कुछ प्राइम लैंड्स हैं जिसपे काफ़ी एनक्रोचमेंट हो रहे थे उस पर एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रही थी। हमने अप्रैल 5 को भी लोक सूचना जारी करी थी, काफ़ी लोगों से समझाइश भी करी, पिछले हफ्ते से भी समझाइश चल रही थी पर काफ़ी लोग नहीं माने। और जो कल अतिक्रमण हटाए गए थे वो ऐसे खसरों पे थे जो कि ऑलरेडी UIT ने किसी को या तो अलॉट करी थी या वहाँ पे कोई पानी का कैचमेंट एरिया था, तो वो इस प्रकार के लैंड्स थे कि हमने लोगों से भी समझाइश करी कि आप अगर यहाँ बैठेंगे भी तो कल को आपको ये लैंड अलॉट करने में भी UIT को बहुत दिक्कत आएगी। तो उनसे समझाइश करने के प्रयास किए थे पर वो सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए कल एनक्रोचमेंट हटाए गए। और वो इनक्रोचमेंट्स ऐसे थे जो पिछले 10 दिनों में ही किए गए थे, तो वो काफ़ी कच्चे प्रकार के थे, टिन शेड वगैरह प्रकार के थे, तो उनको हटाया। वहाँ पे फिर जो पाक विस्थापित समाज था जो वहाँ बैठा था उनका काफ़ी विरोध भी हुआ और आज हमने बहुत अच्छी उनसे सक्सेसफुल और पॉजिटिव वार्ता करी, उनकी डिमांड्स भी सुनी। उनकी मुख्य डिमांड यही थी कि उनको बैठने की कोई जगह दी जाए, तो उसके लिए UIT जैसलमेर द्वारा अगले एक हफ्ते में ही सूटेबल लैंड चिन्हित करी जाएगी, जो जितने भी परिवार है उनके लिए लैंड सफिशिएंट भी हो और वो कोई लैंड ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई वाटर कैचमेंट एरिया आ रहा हो या कोई अन्य अलॉटमेंट पहले ही किया जा चुका हो जिसमें जो यहाँ के लोकल्स हैं अमर सागर के उनको भी आपत्ति नहीं हो। क्योंकि ये जो पूरी UIT कार्रवाई कर रही थी जो लोकल्स थे अमर सागर के उनकी रोज कंप्लेंट्स आ रही थी, तो एक रूटीन जो इंक्रोचमेंट रिमूवल था वो तो हमारा लगभग पूरा हो गया है। और क्योंकि आज बहुत अच्छी हमारी वार्ता भी हो गई जितने भी पाक विस्थापित हमारे यहाँ रिफ्यूजीज हैं उनसे, और वो मान भी गए क्योंकि उनकी प्रमुख बात यही थी कि उन्हें बैठने के लिए अब एक ज़मीन चाहिए। तो अब हम एक टीम बनाएंगे, सर्वे करेंगे प्रॉपर लैंड सफिशिएंट स्पेस के जो उन परिवारों के लिए सफिशिएंट हो, और उन परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव भी रखेंगे कि वो भी सेटिस्फाइड रहें कि जो लैंड अब हम उन्हें जहाँ पर हम उन्हें बिठाना चाहेंगे। और बाकी जो लोग अभी कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने ये अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनके पास अभी कहीं पर भी रहने की जगह नहीं है, तो जिला प्रशासन द्वारा जो हमारे गवर्नमेंट शेल्टर होम हैं रैन बसेरा है वहाँ पे रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है, उनको कोई खर्चा बियर नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही हम एक हफ्ता 10 दिन में एक प्रॉपर लैंड चिन्हित कर दी इनको वहाँ पे जो जिनको नागरिकता मिल चुकी है उनको लैंड अलॉट भी कर दिया जाएगा और बाकी जिनको नागरिकता भी नहीं मिली उनके लिए लैंड चिन्हीकरण करके उन्हें वहाँ पर बिठा दिया जाएगा और जैसे उन्हें नागरिकता मिल जाएगी उनको भी वहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा।